एक्ट्रेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूंगा मैसी फर्ग्यूसन 7235 ट्रैक्टर का। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर की एचपी की। ये ट्रैक्टर आपको 35 HP में 3 सिलेंडर और बोश कंपनी के इनलाइन पंप के साथ मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की। जो ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल है वो हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है, जिसमें आपको मैनुअल भी और पावर स्टीयरिंग दोनों मिलेंगे। इसमें मैनुअल है और आपको पावर भी मिल जाएगा, वो किसान की अपनी मर्जी है, आप पावर में भी ले सकते हो, मैनुअल में भी ले सकते हो। और ट्रैक्टर में वाटर सेपरेटर लगा है, जैसे कि इस जैसे फ्यूल में पानी आ जाता है तो ये जो रबड़ का रिंग है ये पानी में तैर जाता है, और यहाँ से इसको थोड़ा लूज़ करके पानी को निकाल दो, जो आपके ट्रैक्टर में फ्यूल है वो साफ़ होकर आगे जाता रहेगा, जिससे ट्रैक्टर के इंजन का कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा। सबसे आप बात करते हैं ट्रैक्टर की लुक के बारे में। जो ट्रैक्टर की लुक है काफ़ी स्टाइलिश और शानदार लुक दी गई है कंपनी में। फ्रंट पे आपको 2 लाइटें दी गई हैं और एक जाली है, काफ़ी हैवी जाली है, और नीचे हैवी ड्यूटी बम्पर जो कंपनी फिटेड है, कंपनी खुद दे रही है बम्पर को, और बम्पर के साथ साथ हिच का भी काम करेगा, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में फंस जाते हैं तो उसमें। और यहाँ पे आपको अल्टीनेटर के ऊपर एक कवर दिखेगा, जैसे हाथ वगैरह ना लगे काम करते हुए। और ये लिफ्ट का पंप दे रखा है किसान भाइयों, जो ये लिफ्ट के पंप की पूरी सेटिंग की हुई है हाइड्रोलिक काम करने के लिए, तो किसान को कभी भी ट्रैक्टर की लिफ्ट में या कोई भी भारी इम्प्लीमेंट उठाने में कोई दिक्कत वगैरह ना आए। यह भी कंपनी ने बड़ी अच्छी चीज़ दी है इसमें, इसकी लिफ्ट की पार भी बढ़ा दिया है। जो ट्रैक्टर का एयर क्लीनर दे रखा है किसान भाई, वो ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर दे रखा है, 1 फुट स्टेप दे रखा है चढ़ने के लिए, काफ़ी अच्छी सीट दे रखी है ट्रैक्टर में, जो कि किसान बैठेगा उसको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। नीचे भी काफ़ी खुला प्लेटफॉर्म है, किसान कैसे भी करके बैठ सकता है और घंटों तक काम कर सकता है। और ट्रैक्टर की लंबाई भी है, और स्टीयरिंग के ऊपर आपको मैसी फर्ग्यूसन कंपनी का लोगो देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर के जो डिजिटल मीटर क्लस्टर दे रखे हैं काफ़ी स्टाइलिश और शानदार, जिसमें से ये आपको बैटरी का ये RPM का यहाँ पे हावर्स आते लिखे हुए कितने घंटों तक ट्रैक्टर चल चुका है, और ये ऑल प्रेशर का, और ये टेम्परेचर का है, और ये ऑयल का है। वो ट्रैक्टर का स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा दे रखा है, और ये यहाँ पे आपको एक्सीलेटर देखने को मिलेगा स्टील की बाइंडिंग के साथ हैंड वाला, और ये फुट वाला दे रखा है। लॉक है जो ट्रैक्टर का वो अंदर कवर किया गया है, जैसे चाबी वगैरह अगर गिर जाए तो यहाँ पे रुक जाएगी, वो नीचे नहीं गिरेगी। यहाँ पे आपको किसान भाइयों चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, जैसे मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, और ये हॉर्न के लिए दे रखा है, और ये रिफ्लेक्टर बटन दे रखा है किसान भाइयों, जैसे को आप ऑन करोगे तो आपके ट्रैक्टर के जो मडगार्ड वाले हैं चारों इंडिकेटर वो अप डाउन करेंगे, और ये लाइट के लिए दे रखा है। और अब बात करते हैं ट्रैक्टर के गियरबॉक्स की। ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलेंगे, और ब्रेक की बात करें तो ट्रैक्टर में आपको ऑयल इमर्ज्ड ब्रेक मिलेंगे, जो कि तेल में डूबे हुए होते हैं। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के लिफ्ट लीवर की। ट्रैक्टर में आपको लिफ्ट के लीवर दे रखे हैं, जिसमें से ये ड्राफ्ट का है, और ये बेसिक पोजीशन कंट्रोल करने के लिए दे रखा है। नीचे आपको एक लीवर देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं पार्किंग ब्रेक, तो ये ट्रैक्टर अभी पार्किंग ब्रेक में ही खड़ा है, तो लीवर इसको आप ऐसे घुमा के इसको नीचे कर दोगे तो आपके पार्किंग ब्रेक हैं खुल जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको PTO पावर का गियर देखने को मिलेगा, जिसको आप ऊपर करोगे तो गियर डल जाएगा, नीचे करोगे तो डल जाएगा। और जो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर का सिंगल है, इसमें डुअल क्लच है, जो इसका PTO पावर का क्लच है वो भी पैडल में ही है, और नीचे आपको इंजन को स्टॉप करने के लिए दे रखा है। ट्रैक्टर का फ्यूल टैंक 47 लीटर का है। राइट साइड आपको एक मिरर मिलेगा, और साइलेंसर ट्रैक्टर का साइड में दे रखा है कंपनी ने, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, साइड में ही होना चाहिए, और काफ़ी अच्छे और स्टाइलिश मडगार्ड दे रखे हैं कंपनी ने, और जो लाइटें हैं वो मडगार्ड के अंदर ही कवर की गई हैं। और अब बात करते हैं ट्रैक्टर के टायर्स के बारे में। जो ट्रैक्टर के रिवर्स टायर हैं वो 12/4/28 के हैं, और जो ट्रैक्टर के फ्रंट टायर्स हैं 6/16 के हैं। पीछे की ओर आपको एक लेफ्ट मडगार्ड पे है एक बड़ा टूल देखने को मिलेगा, किसान को कोई भी सामान अपने रख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी लाइटें दे रखी है कंपनी ने।
और यहाँ पे कंपनी है जो आपको टॉपलिन हुक और ड्राईवाल कंपनी दे रही है। और जो इसका पीछे का एक्सेल है किसान भाइयों, वो बुलगेयर है, जो पीछे वाला एक्सेल है वो बुलगेयर है। और वन डिस्ट्रीब्यूटर दे रखा है ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक काम करने के लिए किसान को, और इलेक्ट्रॉनिक स्विच दे रखा है जैसे ट्रैली वगैरह में लाइटें लगवाने के लिए। लेफ्ट साइड में आपकी सीट की आपको वाटर बोटल स्टैंड मिलेगा पानी की बोटल रखने के लिए, और पीछे आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा जैसे ट्रैक्टर को पार्किंग में खड़ा करते हैं तो इस पर लाइट पड़ती है। राइट मडगार्ड पे आपको एक बड़ी लाइट मिलेगी किसान को रात को काम करने के लिए। और किसान भाइयों, जो इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर है 30 HP की इसकी पीटीओ पावर है किसान भाइयों। और जो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1200 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है। और तो किसान भाइयों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।